शिवसेना और बीजेपी के बीच हॉट एंड कोल्ड का वॉर चलता रहता है। दोनों कभी साथ होते हैं तो कभी आमने सामने। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने शरद पवार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया तो शिवसेना एनडीए का साथ छोड़ सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा। पिछले दो राष्ट्रपति चुनाव में भी शिवसेना ने आखिरी मौके पर बीजेपी और एनडीए का साथ यूं ही छोड़ दिया था। बीजेपी और शिवसेना के बीच खट्टे मीठे रिश्ते किसी से छिपे नहीं, कभी दोस्ती तो कभी तकरार। दोनों के बीच लंबे वक्त से चल रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तो ये रिश्ते कोल्ड वॉर में बदल चुके हैं। शिवसेना भले ही केंद्र और महाराष्ट्र की एनडीए सरकारों का हिस्सा हो, लेकिन जब भी मौका मिलता है शिवसेना नेता बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधने से चूकते नहीं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच की दरार जग जाहिर है। 2007 में जब कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया तो शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर 2012 में भी देखने को मिली थी। शिवसेना ने उस वक्त भी राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आते ही शिवसेना नेताओं की बोली बदलने लगी है। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि अगर कांग्रेस ने मराठा छत्रप और एनसीपी के मुखिया शरद पवार का नाम आगे किया तो शिवसेना मराठी मानुस के नाम पर आसानी से कांग्रेस के पाले में आ सकती है। दरअसल सारा पेच प्रणब मुखर्जी को लेकर फंसा है। हाल ही में सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आई ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे करने की वकालत की थी। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने ही बुने जाल में फंसी है। कांग्रेस ने अब्दुल कलाम को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध इस आधार पर किया था कि देश में एक ही व्यक्ति को दो बार राष्ट्रपति बनाने की परंपरा नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने दुविधा ये है कि वो अपनी ही बनाई नीति पर यू टर्न कैसे ले। उधर प्रणब मुखर्जी भी साफ कर चुके हैं कि वो तभी दूसरी बार मैदान में उतरेंगे जब विपक्ष के साथ सरकार की ओर से भी उनके नाम पर सहमति होगी। पीएम मोदी के साथ भले ही प्रणब मुखर्जी के संबंध अच्छे हों, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के नाम पर तैयार होने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में अगर प्रणब की दावेदारी पर पेंच फंसता है तो कांग्रेस शरद पवार पर बड़ा दांव खेल सकती है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में शरद पवार का बड़ा रसूख है। पार्टी चाहे जो हो, उनके चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। शरद पवार के दोस्तों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो या फिर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू या कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती, सभी से पवार के संबंध बेहद करीबी रहे। ऐसे में कांग्रेस अगर राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार को मैदान में उतारती है तो बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर पड़ जाएंगी और पवार के नाम पर शिवसेना को तो पाला बदलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।